विविधताओं से भरे इस देश में कुछ समानताएं हम दिखाएंगे। कैसा है भारत, श्रेष्ठ भारत, आज हम आपको बताएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुजरात और छत्तीसगढ़ की समानताओं पर। विस्तार से अगर मैं बताऊँ तो हम हस्तशिल्प, आभूषण और वेशभूषा को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, और इस विषय की ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश अग्रवाल जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ और गुजरात का पारंपरिक आभूषण क्या है? छत्तीसगढ़ और गुजरात दोनों प्रदेशों में आदिवासी जो कल्चर के आधार पर चांदी के जो गहने बनाए जाते हैं, वो कल्चर करीब करीब समान है। जी। फोक डांस करते हुए ये लोग अपना पूरा वेशभूषा और जितने आभूषण हैं, कान के, नाक के, गले के, पैरी, सारी चीज़ों को लगभग गुजरात और छत्तीसगढ़ में समान दोनों बनाए जाते हैं पुराने समय से अभी तक। जी जी, इसमें खासियत क्या है सर? जैसे छत्तीसगढ़ और गुजरात की बात करूं तो दोनों में सिमिलर क्या है कि वहां भी पहना जाता है उस चीज़ को और यहां भी? करीब करीब पूरी समानता, मैरिज के अवसर पे, विशेष शुभ अवसरों पे पहना जाता है जितने भी तरह के गहने हैं उनमें। डिज़ाइन भी पुराने एंशियंट काल से जो बने हुए हैं उन्हीं डिज़ाइनों को फॉलो करते हुए बनाया जाता है चांदी के पूरे गहने उस पर। सर, मुझे ये बताइए कि ये रोगन कला के बारे में बताइए, हस्तशिल्प से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमें, इसमें थोड़ा विस्तार से बताइए। जो कच्छ गुजरात में जो रोगन कला है वो नेचुरल जो कलर है उससे बनाया जाता है, और उसको बना करके जो पुराने ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उन पे उनको बनाया जाता है। और यहाँ भी छत्तीसगढ़ में कोंडागांव, बस्तर, इनके आसपास उसी सेम तरीके में वो वर्क होता है। अच्छा, तो ये गुजरात में होता है? गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोंडागांव के आसपास ये काम होता है अपने यहाँ। जी जी, ओके। सर, ये हस्तशिल्प में समानता बताइए कि छत्तीसगढ़ और गुजरात में क्या समानता है हस्तशिल्प को लेकर? छत्तीसगढ़ में जो जितना भी हस्तशिल्प बनता है, पहला लकड़ी का जी, जो जो पूरा सागौन और खमार की लकड़ी पे बनाया जाता है जी, और दूसरा ब्रास का होता है, बेल मेटल का जी, वो ट्राइबल कल्चर के आधार पे जिस टाइम में पूरा घोटुल का जो सीन होता है, पूरा विलेज डांस करता है, खुशी मनाता है, हर वीकली लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उस टाइम पे पूरा जितने आभूषण है वो पहन करके वो ग्रुप डांस वगैरह करते हैं, और जिस तरह 5 स्टार पार्टियां होती है वैसा गांव में घोटुल का आयोजन रात के टाइम पे किया जाता है जी। और जो आभूषण है यहाँ पर, वो मैरिज होती है लेडी तो पूरा फ्रंट वाले पूरे पार्ट में चांदी का आभूषण बना करके वो पहनते हैं उसको। हाँ, जैसे माथे में और लगा सर पर जेंट्स जो है पूरा वो गौर का सींग लगा करके और उसको साफा की तरह यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारे बस्तर का, यही सेम कल्चर गुजरात में जितने वहाँ के जो ट्राइबल हैं वो उसी तरह से वो कॉटन के ड्रेस, चांदी के गहने ये पहन करके डांस करते हैं। गरबा के समय है, विशेष ओकेशन में है, वो उस टाइम पे वो लोग पहनते हैं। जी जी जी, तो आपने ये हमें इसके बारे में बताइए ना, रोगन कला के बारे में, ये कैसे बनता है? नेचुरल कलर बना करके उसको दीवार पे डिज़ाइनें बनाई जाती है और ट्राइबल जो कल्चर है उसके आधार पे बनाया जाता है जी, ओके। और उसमें कोई कोर्स नहीं किया जाता, वो स्वयं से पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते जाते हैं जी। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमें रोगन कला के बारे में। तो सर, हमें ये बताइए कि हस्तशिल्प, मैंने देखा है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ में आजीविका का साधन है, वहाँ की महिलाएँ इसी पर डिपेंड रहती हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्लानिंग या क्या योजनाएं चल रही हैं? भारत सरकार की तरफ से आर्टिसन क्रेडिट कार्ड के नाम से 3 लाख रुपए तक का बिना कोई सिक्योरिटी का उनको लोन दिया जाता है कारीगर को, वो अगले 3 वर्षों में उनको जमा करना होता है, कोई ब्याज नहीं है, ब्याज की सब्सिडी खादी ग्रामोद्योग कमीशन है भारत सरकार का वो प्रोवाइड करती है, और उसको भी बढ़ा करके 2 करोड़ तक का कर दिया गया है जी। उसमें किसी भी प्रकार का कोलेटरल नहीं, कोई भी प्रकार का उनको प्रतिभूति नहीं रखना है जी। और उस हर शिल्प के निर्माण से विक्रय तक, विदेशों तक जाने के लिए भारत सरकार ने, छत्तीसगढ़ शासन ने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, मार्केटिंग की भी योजना है, मैन्युफैक्चरिंग की है, और कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी छत्तीसगढ़ में भी बना, काफ़ी बना हुआ है, उस पर शिल्पी आते हैं, सुबह काम करके शाम को अपना जा सकते हैं, उनको न बिजली लगना है, कच्चा माल के लिए भी रॉ मटेरियल
बैंक की स्कीम है, उसमें भी भारत सरकार की स्कीम है और राज्य शासन के साथ सहभागिता के साथ काम कर रहे हैं जी। तो इसमें युवा वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ स्कोप है सर? युवा वर्ग के लोगों को भारत सरकार ने जयपुर में कला के इसमें डिग्री कोर्स है 3 वर्षों का, उस पर स्पॉन्सर करके वहाँ पर उनको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स करा रही है, जिसका लगभग 8 लाख रुपए फीस होता है, वो पूरा छत्तीसगढ़ शासन वहन कर रही है और उसके बाद इसको रोजगार देने का भी काम छत्तीसगढ़ शासन कर रही है। बहुत अच्छी बात है, तो ये हमारे युवा वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है। विदेशों में भी जब जाया जाता है इसको विक्रय करने के लिए, तो मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस करके स्कीम है गवर्नमेंट की जी। उसमें ये होता है कुछ कुछ जिन जिन देशों से भारत सरकार का एग्रीमेंट है, टाइप है, व्यापार का प्रमोशन है, वहाँ 75 से 90% तक का सब्सिडी देती यात्रा से लेकर के वहाँ प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए, और ऑर्डर लेने के बाद 6 महीने के अंतराल में 0 ब्याज पे ECGC करके स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके तहत भारत सरकार उसको पैसे देती है और छत्तीसगढ़ शासन के सहभागिता में बैंकों से मिल जाता है, बहुत आसान शर्तों पर ऋण मिल जाता है। अच्छा जी, और ये मुझे खादी वस्त्र के बारे में कुछ डिटेल बताइए। खादी वस्त्र हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर और चांपा दो जगह, चांपा में रेशम का भी बनता है और खादी और कॉटन के भी बनते हैं वहाँ पर, बस्तर में बनता है, कोसा सेंटर था और काफ़ी बड़ी मात्रा में खादी कोसा का दोनों का कपड़ा हमारे यहाँ बनाया जाता है और बनने के बाद उसके ड्रेस मटेरियल में उपयोग है उसका, और साड़ी के रूप में है, साड़ी में बस्तर आर्ट का पेंटिंग भी बनाया जाता है और यहाँ से विदेशों में काफ़ी मांग है। विदेशों में हम लोगों ने भी पूरा शिल्पियों का समूह बना करके करीब 2002 से हम विदेशों में निर्यात कर रहे हैं जी, ये खादी वस्त्र। हाँ, खादी वस्त्र भी और हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पूरा अमेरिका, UK सब जगह जा रहे हैं और इनको बनाने वाले जो भी शिल्पी हैं वो बस्तर से ही हैं और दोनों मतलब बनाने वाले सब शिल्पी बस्तर से ही और बना करके उसको भेजा जा रहा है जी। अच्छा, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बस्तर ही के लोग ये करते हैं कि बाकी और भी? ज़्यादा जो क्राफ्ट है छत्तीसगढ़ का बस्तर में ही है, कोंडागांव। अच्छा, वहीं के लोग ही ज़्यादा हस्तशिल्प को? अच्छा, ओके जी। तो ये आभूषण में छत्तीसगढ़ और गुजरात में क्या समानता है आभूषणों को लेके? लगभग समान कल्चर वाइज सब समान है, बनावट समान है, रहन सहन भी जो आदिवासी होगा जितने भी आभूषण है आदिवासी जो बेल्ट है उन पे ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। वेशभूषा को लेके? वेशभूषा यहाँ भी अपने यहाँ कॉटन के स्वयं बना करके, कॉटन खादी के बना करके कपड़े पहनते हैं डांस के समय, मैरिज के समय, विशेष शुभ अवसरों पर, वहाँ भी वही है और कोई मतलब बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं। बस्तर के भी जो महाराजा है उनका भी ननिहाल गुजरात है, गुजरात से बहुत लंबे समय से आता है यहाँ का। तो ये जो छत्तीसगढ़ का हमारा वेशभूषा है जी, वो किस तरीके से मायने रखता है अपने हमारे पूरे इंडिया में? छत्तीसगढ़ कल्चर का वेशभूषा कल्चर बहुत विशेष है जी। पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश पे आधारित है और वो जिस प्रकार से रहते हैं, अलग अलग 7-8 जोन है, जिले के अलग अलग पार्ट हैं छत्तीसगढ़ में, कोंडागांव है, कांकेर है, वो अलग अलग रंगों के उनकी फिक्स वेशभूषा है जी। और पूरा वेशभूषा भी जो बनाया जाता है उन पे कोड होता है कि बुजुर्ग है तो उसका बड़ा पट्टा होगा, छोटा बच्चा है 18 साल से कम है तो कोड होता है, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा, पट्टे बने रहते हैं और पूरी चीज़ें जो भी यहाँ वस्त्र निर्माण होता है वो छोटे छोटे गृह उद्योग के रूप में होता है, इसका पूरा विदेशों में भी निर्यात है और गुजरात में भी जितना जो कपड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे कपड़े पे भी वर्क होते हैं, कौड़ी का वर्क होता है, वो गुजरात में भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है कौड़ी का शिल्प। वैसे ये देन गुजरात की है ना, कौड़ी की जो देन? कौड़ी वाली शिल्प वहाँ की है और वहाँ से काफी लोग माइग्रेट होके बस्तर के महाराजा वाले से। वहाँ की देन क्यों है ये कौड़ी? उपलब्ध कौड़ी जो है समुद्र इलाके में उपलब्ध रहता था जी, यहाँ हमारे यहाँ तो समुद्र है नहीं, है ना, रॉ मटेरियल, और वहाँ से लोग माइग्रेट होकर के पूरे प्रदेश में काफी संख्या में गुजरात के भी लोग हैं छोटे छोटे जगहों में जी। तो इसमें युवा वर्ग को हमारे पारंपरिक आभूषण के बारे में बहुत कम जानकारी है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा कोई केंद्र बना हुआ नहीं है जहाँ पर उस आभूषणों का डिस्प्ले हो, किस किस प्रकार से क्रमशः अलग अलग डिजाइनों का क्या महत्व है,
डिज़ाइन का कोई प्रॉपर बड़ा कोई सेंटर नहीं है, भारत सरकार की स्कीमें हैं लेकिन जितना यहाँ लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए वो उपलब्धता नहीं है। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के भी राज्य समन्वयक हैं, उनका भी एक बड़ा कोई सेंटर यहाँ खुलने का है। वो खुलने के बाद डिज़ाइन, मार्केटिंग और निर्यात, ये तीनों पे फोकस रहेगा। और कमी यहाँ कुछ भी नहीं है, जो छोटे छोटे डिज़ाइन की जानकारी और मार्केट की जानकारी की कमी है। और इंटरनेट की तरक्की होने से संपर्क का माध्यम, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काफ़ी कुछ फर्क आया है और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है नुकसान, मतलब युवाओं में रुझान बढ़ा है जी। लेकिन फाइनेंस की उपलब्धता और उनकी कनेक्टिविटी, इसकी वजह से थोड़ा सा पीछे है। तो क्या कहना चाहेंगे युवा वर्ग को कि हमारे, हमें वेशभूषा और आभूषण के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमारी पारंपरिक है ये। तो जितने भी अपने युवा वर्ग हैं उनको, राजधानी है रायपुर, यहाँ पर कोई छत्तीसगढ़ हाट के नाम से काफ़ी बड़ा एरिया बनाया हुआ है, वहाँ कुछ कार्यक्रम हैं, उन पर भाग लें। बैंकों पे सारी स्कीमें उपलब्ध है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आता है जी। उनकी वेबसाइट पे भी जितनी स्कीमें हैं शुरू से लास्ट तक का, 5 वर्षों तक का, शिशु से पूरा बड़े होते तक का सरकार उसमें मदद करती है। ये गुजरात के कच्छ जिले में चांदी के आभूषण काफी प्रसिद्ध है, इसके बारे में मुझे बताइए। जो लोग अपने हिसाब से आभूषणों का निर्माण करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बनता है, छत्तीसगढ़ी लोग भी पहनते हैं, बस्तर के आदिवासी भी पहनते हैं। अच्छा, क्यों प्रसिद्ध है ये चांदी के आभूषण? जितने भी समय राजस्थान गुजरात, चांदी ही पहला माध्यम था इस धन को स्टोरेज करने का, आभूषणों के माध्यम से स्टोर किया जाता था। और कल्चर आधारित अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बनाया जाता है जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से और क्या योजनाएं चल रही है सर? बहुत सारी योजनाएं हैं मैडम, हर शुरुआत से लेकर के, मतलब पहला योजना है कि आप घर से निकलते हैं तो पहला जरूरत होता है कि कच्चा माल जी। कच्चा माल के साथ साथ होता है कि इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, कनेक्टिविटी क्या है। और शिल्पी बहुत हैं यहाँ, छत्तीसगढ़ में भी बहुत हैं, गुजरात में भी, बनाने वालों की संख्या कमी नहीं है। और भारत सरकार एक पंजीकरण करती है शिल्पियों का, उसके बाद बैंकों से फाइनेंस के लिए लिंकेज करती है जी। और छोटे छोटे शॉप बना के भी गवर्नमेंट दे रही है, जिसको वो बैठ करके विक्रय करने का प्रयास भी कर सकते हैं। और आने जाने से लेकर के प्रदर्शनियों में जाने आने में भी छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार भी काफ़ी उसमें खर्च करती है, आने जाने का पैसा निःशुल्क होता है पूरा जी, PADA के फॉर्मेट में देती है गवर्नमेंट। अच्छा जी, प्राचीन समय से लेके अब तक की आभूषणों में और वेशभूषा में क्या बदलाव आए हैं? कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बनाने के तरीके और उसका प्रेजेंटेशन में अंतर आया, बाकी कोई बदलाव नहीं आया। जो डिज़ाइन, जो पुरानी डिज़ाइनें चल रही थी उसी डिज़ाइन को वापस 15-20 साल 25 साल में वापस वो डिज़ाइन वापस रिपीट हो रहा है। लेकिन पहले जो पहना जाता था वो शायद अब कम, अब के युवा वर्ग नहीं पहनते हैं, लेकिन स्टोरेज के रूप में लोग कलाकृति संग्रह के रूप में जो जितने भी आभूषण उसको संग्रहण के पार्ट में बनवाते हैं लेते हैं, यहाँ भी उपलब्ध हैं, काफ़ी जगह उपलब्ध हैं पुराने जितने पहनी है आभूषण देते हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि युवा वर्ग को पहनना चाहिए हमारे इस पारंपरिक आभूषण, वेशभूषा को जिंदा रखने के लिए क्या करना चाहिए? विशेष अवसरों पर तो यहाँ भी युवा वर्ग, जैसे यहाँ पर अपने पंडवानी होता है उनके लोग पहनते हैं, मैरिज वगैरह के अवसर होते हैं उस पर पहना जाता है, विदेशों के लोग जाते हैं, वो अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो विदेशों में भी जो लोग हैं वो यहाँ के आभूषणों को, डांस को, कल्चर को वहाँ फॉलो करते हैं, और इसको व्यापार के रूप में भी और पुरानी जो हमारी परंपरा है उनको पुनर्जीवित या जीवित रखने के लिए भी लोग प्रयासरत हैं जी। ये गुजरात जिले में महिलाओं के द्वारा पहना गया बाजू बंद के बारे में मुझे कुछ बताइए। पुराने समय से सारी चीज़ें कमर बंद है, बाजू बंद है, राजस्थान में बोरला है, सारी चीज़ें पहनी जाती है। मैरिज के अवसरों पर जितनी भी ये जो गहने हैं उनका सबको उपयोग में लिया जाता है जी, जी। और आखिरी लक्ष्य कल्चर को संग्रहित करना है जी। उसके साथ साथ धन का भी संग्रहण है कि इमरजेंसी आवश्यकता में इनको उपयोग में लिया जाए जी। और इन्हीं डिज़ाइनों को कपड़े में, इन्हीं डिज़ाइनों को लकड़ी में, इन्हीं डिज़ाइनों को वॉल पे बनाया जाता है। जो पुराने आभूषणों में डिज़ाइन होती थी, वर्क होता था, उन्हीं डिज़ाइन के आधारित पत्थरों में यहाँ आज भी हो रहा है वर्क। जहाँ भी आप ध्यान देंगे तो कपड़ों पे, जैसे बनारसी साड़ी का प्रिंट है उसी तरह से गुजरात का जो डिज़ाइन है वो सारे कपड़े, कपड़े में, आपका फर्नीचर में, और जितने भी कल्चर से आधारित उद्योग है उन पर उपयोग आता है,
पुरानी जितने डिजाइन है और इसका बहुत बड़ा अभी आसान माध्यम है कि इंटरनेट के माध्यम से काफी डिजाइन है, बहुत सारी साइटें हेरिटेज साइटें उपलब्ध है जिन पर जानकारी लेते हुए युवा रोजगार के रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी जो डिजाइन फिजिकली दिख रहा है स्कैन करके फोटो खींच के एक सिंगल बटन से लाइन स्केच बन जाता है, उसको बना करके आप आगे उसको व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं। मतलब युवा वर्ग के लोगों के लिए काफी अच्छा ये काम है, हस्तशिल्प से वो बहुत ही अच्छा अपने इसको बना सकते हैं इस लाइन पे। हम लोग 26 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, हम स्वयं बस्तर से ही हैं और वहाँ पर अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के काम हैं और इसके पूरे प्रोमोटर गुजरात के ही लोग हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया हो, इसी उम्मीद के साथ की होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। श्रेष्ठ भारत मेरा भारत देश है, एकता व शांति का ये स्वरूप है। भारत श्रेष्ठ भारत मेरा भारत देश है, एकता व शांति का ये स्वरूप है। संस्कृति है जिसकी दौलत शान अनेक है, ऐसा देश है मेरा देश है, सबसे श्रेष्ठ है ऐसा देश है मेरा देश है, सबसे श्रेष्ठ है। जाति धर्मों को जोड़ता दुनिया में जिसका विवेक है, सादा जीवन उच्च विचार देता जिसका वेश है, गंगा यमुना सरस्वती जिसमें खींचे रेख है, गंगा यमुना सरस्वती जिसमें खींचे रेख है, हिमालय की छोटी गाय जिसके गीत अनेक है, ऐसा देश है मेरा देश है, सबसे श्रेष्ठ है ऐसा देश है मेरा देश है, सबसे श्रेष्ठ है। निर्दिरता ना निर्दिरता ना दीनता दीनता ना ना, निर्दिरता ना निर्दिरता ना दीनता दीनता ना। साडे देश दी शान बड़ी वक्री है, साडे देश दी शान वक्री, साडे देश दी शान वक्री, साडे देश दी शान वक्री। भारत श्रेष्ठ भारत मेरा भारत देश है, एकता व शांति का ये स्वरूप है, संस्कृति है जिसकी दौलत शान अनेक है, ऐसा देश है मेरा देश है, सबसे श्रेष्ठ है ऐसा देश है मेरा देश है, सबसे श्रेष्ठ है।